तो एक बात है मुनाजरे की, वो हमारे अकाबर मौजूद हैं, जिस वक्त उनका जी चाहे हमें उनका चैलेंज कबूल है वो तहरीरी तौर पे लिख के दें। दूसरी बात जो मैं अपनी तरफ से, मेरे जमात के अकाबर बैठे हुए हैं और मुझे अपने अकीदे और नज़रिए पे इतना पुख्ता यकीन है, इंशाल्लाह इतना हमारा अकीदा पक्का है कि मैं उनको मुनाजरे का नहीं बल्कि मुबैले का चैलेंज करता हूँ। क्या करता हूँ? मुबैले का। वो घुमड़ साहब आए और मुझे जहाँ भी कहे मैं उसके लिए, मुबैले के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। मैं आप दावत देता हूँ हजरत मौलाना अब्दुल कयूम साहब को, हो जाएगा जी वो। الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, तुलबाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझसे कबल काफ़ी सारे उलमाए किराम के बयानात आप हजरात सुन चुके हैं। मेरे ख़्याल में मेरे लिए पीछे कुछ गुंजाइश तो नहीं बची, जितना कुछ ज़रूरी था बल्कि ज़रूरत से भी कुछ ज़्यादा बयान हो चुका। लेकिन साथियों का एक इसरार था, वरना रावलपिंडी और इस्लामाबाद उलमा की तो कोई कमी नहीं है। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, न कोई इलम का दावा न कोई अमल का दावा, बस ये साथियों का एक हुस्न जन है कि उन्होंने दावत दे दी, हुक्म समझते हुए मैं हाजिर हो गया। जलसे का जो मकसद वो आप हजरात पे वाज़े है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझसे कबल नवासे शेखुल कुरान कायद नौजवानान तौहीद व सुन्नत अल्लामा शाकिर साहब फरमा रहे थे कि रावलपिंडी वो इलाका था जहां अमन था, और यकीनन बात ही कुछ ऐसी ही है कि सन 2000 में इसी तालीमुल कुरान राजा बाजार में मैं दौरा हदीस शरीफ की क्लास में था, तो हैरान होता था कि इतना बड़ा इलाका, इतने मदारिस, पूरे मुल्क में एक मसले की इख्तलाफ की एक फिजा बनी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक अमन है। लेकिन अमन बाज़ आदमियों को पसंद
अपनी अपनी फितरत होती है। मुझे तो हजरत शाकिर साहब ने पाबंद किया है कि आपने सिर्फ दलाइल पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन दलाइल से पहले जब तक तमहीद ना हो तो मेरे ख्याल में दलाइल का कुछ मज़ा नहीं आएगा। पूरे मुल्क में बाज़ आदमियों ने शोर मचाया हुआ है, हर जगह जहाँ पे देखते हैं कि अमन है तो उन बेचारों को बेकरारी होने लग जाती है कि इस इलाके में इस जगह पे अमन क्यों है। चलो ये रावलपिंडी का इलाका, आप हजरात मीडिया का दौर है, अखबार पढ़ते होंगे, खबरें सुनते होंगे कि डेरा इस्माइल खान में क्या कुछ हो रहा है। पिछले दिनों मैं गया, एक साथी कह रहा था कि एक भी हस्पताल डेरा इस्माइल खान में ऐसी नहीं होगी जो शिया सुन्नी फसाद की वजह से आदमी जख्मी जो हुए, शायद ही कोई हस्पताल ऐसी हो जहां इस फसाद की वजह से जख्मी आदमी मौजूद ना हो। इतना खून हो रहा है। पिछले हफ्ते की बात है, साथियों को पता है कि शादत तौहीद व सुन्ना की मस्जिद पे हमला हुआ, 25 आदमी हमारे जख्मी हुए, 2 आदमी शहीद हुए। अब वो एक ऐसा इलाका जहां पे नामो निशान नहीं इस मसले का, कत्लों के ताल हो रहा है, खून खून है हर तरफ, वहां अमन की फिदा कायम करने की जरूरत थी। यही मौलवी साहब पिछले दिनों, पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते गए उस इलाके में और वहां पे चैलेंज देते रहे मुनाजरे के। शर्म हया खत्म हो गया, मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान जब हो रहे हैं। चलो वो तो कुछ इलाका जहां पे कभी मसला छिड़ा था, सवाबी का इलाका आपको पता है, वो सरहद के इलाके, कि अभी तक उन इलाकों में इस मसले की फिजा नहीं है। यही मौलवी साहब वहां जाके चैलेंज करते रहे कि फलां को ले आओ, बड़ों बड़ों के नाम लेना, अमीर जमात का नाम, अल्लामा नोमानी साहब का नाम। और मैंने उसे एक जगह कहा था मंडी बाउद्दीन के इलाके में कि अल्लामा नोमानी साहब का नाम बड़े जल्दी जल्दी लेता है, अमीर मोहतरम का नाम लेता है, मेरा और तेरा आमना सामना छन्नी ताजा रेहान में हुआ था, जरा मेरा भी नाम लिया करना, मेरा भी नाम ले किसी जगह तो। लेकिन क्यों नाम ले, उसे पता है कि नाम लिया तो मुनाजरा करना पड़ेगा और बड़ों का नाम लूंगा तो उसे अपनी हैसियत का तो पता तो है ना कि मैं किसी दर्जे का नहीं हूं, बड़ों बड़ों का नाम लूंगा मेरे मुकाबले में किसने आना है, चलो कुछ नाम बन जाएगा। अल्लामा नोमानी साहब, अल्लाह अकबर, हमने उनकी जूतियां सीधी करके चंद दिन उनके सामने दोजानू बैठकर सीखा, तू हमारे मुकाबले में कुछ नहीं कर सका। अल्लामा नोमानी साहब का नाम लेते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अल्लामा नोमानी साहब के मुनाजरे की इल्मियत का अगर पूछना है, खुद कह के आना कि हम मरकर भी जिंदा, और कुछ लोग बैठे होंगे ना उसकी तकरीर में, या किसी ने कैसेट सुनी होगी कि हम मरकर भी जिंदा, हमें फिक्र तो नहीं है। सहाबा इकराम मरने के बाद का सोचकर रोते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी, और ये इतना दलेर हो गया कि कहता है कि मर कर तो कोई फिक्र नहीं है। तो बात जो मैं करने लगा हूं, अगर मर कर भी तुम जिंदा हो, मर कर सलाम सुनते भी हो, जवाब भी देते हो, तो फिर अल्लामा नोमानी साहब का पूछना है तो हबीबुल्लाह डेरवी की कब्र पे जाके पूछ, मंडियाला तेगा की लाहौल की आवाजें उसकी कब्र से भी फिर आएंगी। सुनो वो मंडियाला तेगा का मुनाजरा, अगर जिसने नहीं सुना, इन्होंने एक किताब शाया की मुनाजर सरगोदा के नाम से, मैंने आना तो दलाइल पे है लेकिन इब्तिदा थोड़ी सी तमहीद तो हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब को मैं कह रहा था, वो मेरे गवाह है इस बात के कि मैं पिछले 2 हफ्तों से बीमार हूं, किसी जगह कोई सफर नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं किया,
लेकिन उनका हुक्म था, मैं आ गया। दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तबीयत को खोले, कोई तबीयत ठीक हो जाए, कुछ बोलता जाऊं। इन्होंने छन्नी ताजा रेहान के मुनाजरे में आप लोगों ने इश्तिहार देखे होंगे, बड़े बड़े इन्होंने इश्तिहार निकाले कि ममातियों की इबरतनाक शिकस्त। अब उस मुनाजरे में मैं खुद ही गया था, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अमीर अब्दुल्ला साहब उस मुनाजरे में मुतकल्लिम थे, मैं साथ मुआविन के तौर पर था। 5 घंटे, कितने घंटे, सुबह 9:30 बजे से लेकर जोहर 2:30 बजे तक एक ही बात पे जिद लगी रही। बात क्या थी, उनके कुछ अहबाब ने तहरीर लिख के दे दी हमारे साथियों को, कुछ तहरीर लिखकर दे दी और दस्तखत कर दिए कि इस तहरीर पर मुनाजरा होगा। अब जब वो तहरीर इन हजरात के पास पहुंची तो बेचारे परेशान हो गए कि इस तहरीर पे, अब उस तहरीर में अल्फाज क्या थे कि कुरान पाक की गैर मुहतमल आयात, गैर मुहतमल आयात दावे पे पेश करनी होगी। उन बेचारों के पास मुहतमल ही कोई नहीं है, गैर मुहतमल कहां से लाएंगे। दूसरी बात लिखी थी कि अहादीस मुतवातिरा, इनके पास तो सुद्दी सगीर की रिवायतें हैं, मुतवातिरा अहादीस कहां से आएंगी। और लिखा था उसमें कि